सारे जे ताड़ी बजाओ ना ते एक पंडाल तुसी हिला देंदे हो, पर ताड़ी हो ना होवे, ताड़ी होवे ताड़ी मारन दे बड़े फायदे जे मेरे वीर ते मेरी भैन नौजवान साथी सुनो, गूगल पे तुसी सर्च मारदे ही हो, साडे इत्थे बिल्कुल बैक साइड से दो सेल है, बिल्कुल जेडे योग दे बड़े जानकार ने उन्होंने पता है साडे इत्थे दो सेल है, वो सेल जे सही काम ना करन तां खून दे विच कैलोरीज बनने शुरू हो जांदे सरकार, और जिदे खून विच एक बार कैलोरीज बनने शुरू हो जाए ना उन्होंने बीमारियां की उन्होंने सीधा हार्ट अटैक का खतरा रहता। बाबा रामदेव जी भी कहते हैं कि यो ना सवेरे ताड़ी बजाओ, अभी जिनके बुखार में उससे हम सभी कथा सुनेंगे ना, आप यकीन नहीं मानोगे, अभी बसंत पंचमी वाले दिन 73 इयर्स ओल्ड के हो चुके हैं महाराज जी, लेकिन ताली ऐसी मारते हैं आज तक उन्हें गैस का नहीं पता। सच्ची कहना एक मंच पे बैठा गैस की होगी बीपी की होगा शुगर शागर पे बड़ी दूर दी गई है, सिर्फ ताली जो बजाता है ताली बजाने ना सा सेल जेरे वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट चार्ज रहेंगे, जब सेल चार्ज रहेंगे तो साडा खून प्योर हरकत करेगा और कभी कैलोरीज नहीं बढ़ सकते, और जिन्हें खून च कभी कैलोरीज नहीं बढ़ते उन्होंने हार्ट अटैक आंदा नहीं। हाँ अरे गूगल उठाइए ना, आप तो बहुत बड़े शहर वाले हैं, अरे वाह सरहंद जैसी नगरी, आप सभी को मेरा वंदन है, जिन्हें मेरे भैन भरा बैठे ने मैनू बड़ी खुशी है, तुहानू हनुमान जी महाराज ने अपना मनिया ते तुहानू अपने कीर्तन विच ठेले आके बिठाया है, असी भी खुश होने होने लेकिन अज के दिन ना साडे जिहड़े माता पिता जां दादा दादी जां पड़दादा पड़दादी जिहड़े अपनी करनी सही नहीं कर सके, तुसी जे आके सत्संग च बैठदे हो ते ओह तुहानू वधाइयां और शाबाश और बड़ा हौसला दिंदे ने, खुशियां मनाओ हलो फुलो। हां जिहड़ा बंदा सत्संग विच आके बैठदा है तुसी जिन्ने भी बाहर खड़ोते मेरे सारे वीर अगे भैन अगे मेरी प्रार्थना आओ, ये मौका दोबारा दोबारा नहीं जे मिलना, शुभ धारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए लेकिन संत समागम और हरि की कथा आहा ये दुर्लभ बातें हैं, दुर्लभ चीजें हैं बाबा, बाकी सब कुछ सबने में चलता है क्या जेड़े जेड़े रब का नाम नहीं लैंदे उन्होंने रब रोटी नहीं दिंदा कि ऐसा हो सकता है जेड़े रब का नाम नहीं मनदा रब नूं उन्होंने परमात्मा रोटी नहीं दिंदे, दिंदे ने मिलती है, क्या उन्होंने बच्चे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या उन्होंने कोई पैसा नहीं होंगे, होंगे, वाह शुद्ध धारा और लक्ष्मी वाह क्या बनाया है बनाने वाले ने, ये तो पापी के भी हो सकते हैं लेकिन संत समागम और हरि की कथा दुनिया में छाती ठोक के कह सकते हो, तुसी मेरे भैन भरा जिन्ने बैठे ने ध्यान दियो जरा छाती ठोक के कह सकते हो कि जिन्ने सा असी हनुमान जी महाराज दे सालासर वाले दे बालाजी महाराज दे चरणा विच बैठ के लैने ने ना ओ सा साडे अपने ने अपने, ये मैं नहीं कह रहा मेरे परम गुरुदेव भगवान ने ये बात कही है। हाँ ये सांस जाने वाले हैं आओ जेरे बाहर खड़ोते आओ आनंद लीए क्योंकि फिर ओ बाद भजन शुरू हो जाने ने, मेरा तो काम है कि थोड़े जे लोग आन ताकि महाराज जी आने वाले हो, महाराज जी आन के न कह बैठे है कोई नहीं, इस करके जिन्हें बाहर खड़ोते आज 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 शाबाश शाबाश बहुत अच्छे ने वाह 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 बड़े प्यारे मेरे भैन भरा आओ कह लो मंगल को जजावे मंगल ही करते मंगल में भगवान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय के सभी thank you
का कर न सका अनुमान, कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका अनुमान। जी हाँ, बजरंगी की पूजा से सारा काम होता है, इनके दर्शन से बिगड़ा हर काम होता है। जिसका इंतजार था हमारी दुआओं में असर आ गया है, जिनको डीक रहे थे वो हमारे बीच में आ गया है। तो आइए हमारे आदरणीय विश्व प्रसिद्ध कथावाचक एम भजन गायक स्वामी बुआदिता जी महाराज, एम श्री चंद्र मोहन जी, जिनकी मधुर वाणी से आप अभी बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे, अपने साथियों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे थे, श्री मनीष कुमार जी और गुरमिंदर जी इनका साथ दे रहे थे, बहुत ही सुंदर आवाज़। तो इनके लिए दो लफ्ज हैं, चंद्र मोहन जी का, चंद्र मोहन जी को मैं दो शब्द कहूँगा, सिर्फ दो शब्द। इनकी तारीफ करना तो केवल भूल है, चंद्र मोहन जी आपके लिए इनकी तारीफ करना तो महज भूल है, खुशबू से पता चल जाता है कि कौन सा फूल है। ये हमारे बीच में आए हैं, इनको आप जानते हैं, तो मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा इनकी, क्योंकि ये तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे बीच में आदरणीय हमारे गुरुजी स्वामी बुआदिता जी पहुंच चुके हैं, इनका स्वागत के लिए मैं सुखदेव जी से, सुपरिटेंडेंट साहब, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट साहब, उनसे विनती करूंगा कि आइएगा और इनका स्वागत कीजिएगा। करमचंद जी बसी पठाना से हमारे बीच में आइएगा और गुरु जी का स्वागत। कमलेश वर्मा जी, तरसेम लाल जी शर्मा जी FCI से रिटायर हुए हमारे कर्मचारी, आइएगा, जल्दी आइएगा, जरा समय बहुत कम है। महेश पुरी जी हमारे भतीजा साहब, आइएगा। अरुण जैन जी, रविंदर उपल जी, दो शब्द शशि जी के लिए, इससे पहले कि मैं गुरु जी की के शब्द में दो शब्द कहूँ,
रंजीत शर्मा जी, संतोष पुरी जी, श्रीमती संतोष पुरी जी आइएगा, श्री प्रदीप कुमार जी करियाना मर्चेंट आइएगा। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, बड़ा ही खुशियां भरिया दिन। शशि जी बारे दो शब्द कहांगा। सब तो पहला रंजीत शर्मा जी, सदा खुश रहो, समाज सेवा परोपकार करिए, गुस्से बिच ना नहीं प्यार मोहब्बत। अश्विनी गर्ग जी अग्रवाल साहब, बहुत ही सुंदर शब्द, सदा खुश रहो, समाज सेवा परोपकार करिए, गुस्से बिच नहीं प्यार मोहब्बत नाल खिड़े मत्थे हर एक नूं मिलो। प्रदीप जी सूद साहब, चिंता चिता समान है, घड़ी का भरोसा नहीं। चंद्र मोहन जी ने दसिया हुणे, घड़ी का भरोसा नहीं, चलते रहन का नाम ही जीवन है। सदा सरगम रहन, सरगर्म रहना ही खुशी है। वो आदमी खुश नहीं रह सकता जिसनों ये पता ना हो कि उसने अगली सवेर की करना है। काम भी रुझे रहने ही जीवन के आनंदमई और सुखमई बना सकता है। मैं अपने वीर श्री शशि जी का धनवादी हाँ। ज्ञान चंद जी सैनी रजत उपर, मैं अपने वीर जी श्री शशि जी का धनवादी हाँ, जिन्होंने प्रभु का आशीर्वाद लैके अपने परिवार और परम मित्रा दोस्तों की सख्त मेहनत के सदके ये विशाल श्री हनुमान प्रकट दिवस इस इलाके समाज में चंगी सेहत। रजत जोशी जी, समाज में चंगी सेहत और खुशहाल जीवन सच्ची कामना करते हुए इसनों सफल बनाने की अर्थक मेहनत की है। इन्हों के जो विचार ने वो की है कि जिंदगी छोटी है, इसनों यादगारी बनाने का ही आदमी का लक्ष्य होना चाहिए है। जी हाँ, जिंदगी कट्टण का ना नहीं, जीण का ना है, जिहड़ा असीं समाज की सेवा करते हाँ। लेकिन इन्हों का एक होर मंतव है, सुन वाली गल है, दुनिया में इतनी शिद्दत से निभाओ, दुनिया में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रही। तो जनाब शशि जी ऐसी शख्सियत साढ़े बिच जिहड़े साढ़े समाज की सेवा करते हैं, प्रभु च पूर्ण आस्था। धर्मपाल वर्मा जी साढ़े गुरु जी का सन्मान, मैं पहला भी कह चुका हूँ, दुआओं में अपनी असर आ गया है। हिमांशु जैन जी इंस्पेक्टर इफको साहब आइएगा, स्वामी जी का स्वागत। धर्मपाल जी दुआओं में अपनी असर आ गया है, जिसे याद करते थे वो हमारे दरमियान आ गया है। गीत संगीत भजन संध्या की दुनिया के चमकते हुए ध्रुव जैसे सितारे, संगीत सम्राट निधि उपल जी, संगीत सम्राट गीतों के सिकंदर स्वामी बुआ दित्ता जी, जिनको मैंने बड़े ही सोच समझ कर हंस की उपाधि दी है। जी हाँ, हंस जैसा खूबसूरत मुखड़ा और हंस जैसी ही मस्ती चाल वाले हमारे रहनुमा स्वामी बुआ दित्ता जी हमारे बीच पहुँच चुके हैं। हम सभी सुरंध निवासी आपके शुक्रगुजार हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। संगीत गीत संगीत में है बहुत ऊंची परवाज तुम्हारी, बहुत खूबसूरत है मीठी आवाज तुम्हारी, जमाने को है जिसने दीवाना बनाया, सरहंद में आकर सरहंद को और भी पवित्र बनाया। जब संत आती है तो प्रकृति खिलती है, जब महान संत आते हैं तो संस्कृति खिलती है। आज हमारे बीच में सरहंद में पहुंचे हैं, आपका हार्दिक स्वागत। अगला प्रोग्राम शशि जी। जय श्री राम। मैं गुरु जी नूं स्वामी बुआ दित्ता जी महाराज इन्हां दे सरहंद पहुंचण ते बहुत हार्दिक स्वागत करदा, सरहंद वासियां वालों, श्री हनुमान सेवा दल वालों। तो एक ऐसी शख्सियत है स्वामी जी, मैं तुहानूं कुछ दस नहीं सकदा, इन्हां दे दर्शनां दा ही बहुत लाभ है। जिथे इन्हां दे चरण पै गए उह तां समझ लो काम पा रहे हैं, उहदी किस्मत कहते पलट जाती है, ऐसे चमत्कारी
साडे स्वामी बुआ दित्ता जी महाराज आ इन्हां दे प्रवचन जिहड़े भी सुनदे आ व्यक्ति जो भी सुनदा वह कायल हो जाता क्योंकि असीं भी श्री हनुमान सेवा दल का फंक्शन प्रभु की कृपा दे नाल इह छोटा जिहा अरदास प्रयास कर रहे हैं ते छेवीं बार श्री बुआ दित्ता जी महाराज जी का इत्थे आगमन होया सराडे विच बहुत खुशी की गल आ छेवीं बार पहुंचे हैं ये भी कोई गल होंदी आ जिहड़ा असीं वार वार बुलाते हैं जे किसी की गल होंदी आ उही अपना मित्र बनता ना उहदी आपां चरण चिन्हां ते चल सकते हैं जे कोई गलबात आ बुआ दित्ता जी महाराज नूं प्रणाम कर देवे चरण चिन्हां दे ते बसी तो भी करमचंद जी आए हैं इन्हां ने भी एक बार बुआ दित्ता जी महाराज जी नूं सुनिया ते ऐसी कृपा हुई महाराज जी की कि बसी दे विच भी कई बार फंक्शन हो चुके आ तुसीं मन्नियो पंजाब दे विच हरेक जगह स्वामी जी का फंक्शन होंदा जिहड़ा एक बार सुन लैंदा वो मरीज बन जाता भगवान दियां ते अपरंपार कृपा ते वो जिहड़ी कृपा इन्हां दा ऐसा उद्देश है जीवन का कि चाहते हैं सारे लोगों के बीच मैं प्रसाद बनता हनुमान जी ने असली भगत स्वामी जी हैं तो सारे प्रसाद सारे पंजाब दे विच कि सारे हिंदुस्तान दे विच राम नाम का प्रसाद बन रहे हैं तुसीं भागा वाले हैं जिहड़े इन्हां दे दर्शन कर रहे हो सच कहना मैं तुसीं भागा वाले हैं जिहड़े इस महान शख्सियत के दर्शन कर रहे हो तो हुण इहदा अपने गुणगान सुनना इन्हां दे मुखां तों ते जिहड़े बच्चों नाम मिलना अद्धा घंटा होर इंतजार करो क्योंकि 5 जनवरी 2020 श्री हनुमान चालीसा लेखन प्रतियोगिता जिहड़ी होई सी उहदे विच 85 बच्चे पास होए आ उहदे चों अज 45 बच्चों दे नाम मिलना 45 नूं कल नूं मिलना मेरा निवेदन आ सारे जिहड़े पेरेंट्स आए ते बच्चे बैठे रहो अद्धे घंटे बाद तुहानूं नाम मिलना ते निवेदन है नाम लेके जाना नहीं बैठे रहना प्रसाद लेके जाना हनुमान जयंती का तो कलू भी आपां भी आना नाल पड़ोसियों नूं भी लेके आना क्योंकि मौके साल दे विच हनुमान जयंती इको बार आती है सिर्फ 2 दिन का यह प्रोग्राम हुंदा ये 2 दिन अपने आनंद नाल सुनना जिन्होंने भोजन का प्रसाद लिया वो लोग प्रसाद खा के भजन भगवान राम जी का सुनो यही बेनती है हम स्वामी श्री बुआ दित्ता जी महाराज जी के अगे चरणा च निवेदन है भगवान का गुणगान स्नान दे जय श्री राम भावं भवानी
से हम नमामि ओम राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरारणे ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे ही परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः नमः बर्हा पीडम नटवर बपु करणियं करणिकारं विप्रद्वास कनकपेशं जय जयंत्यं युक्तमालां रंधानवीनरधर सुदया पूरिनंद गोपवृंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्रावशीद गीत कीर्ति बंसी विभूषित कराव नवनीर धावा पीतंबराधरण बिंब फलादृष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रविंद नेत्र कृष्णात्परम किमपि तत्महं न जाने कृष्णात्परम किमपि तत्महं न जाने कृष्णात्परम किमपि तत्महं न जाने करणियों कारण पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद जन भगवान के श्री चरणारविंद में शास्त्रांग दंडोत दंडवत वंदन करते हुए सरहंद की ये पावन पवित्र ऐतिहासिक नगरी में और इस पावन पवित्र स्थली का कोटन बार वंदन करते हुए आप सब लोगों ने मिलकर के हनुमान जयंती का ये पावन पवित्र यो कार्यक्रम बड़े उत्साह से बड़ी श्रद्धा और भाव से आपके भीतर जो परमात्मा के प्रति भगवान के प्रति और विक्रम बजरंग बली पवन स्वत पवन कवार अंगनी की शान को बढ़ाने वाले केसरी नंदन के प्रति आपकी जो आस्था है आपकी जो जिज्ञासा है आपकी जो भक्ति है उसको मैं नमन करता हूँ और वंदन करता हूँ। और हमारे मंच मंत्री जी बहुत सुलझे हुए अंदर से जगे हुए और हमारे शशि जी तो शीतलता के वाह ये तो साक्षात चंद्रमा है। मेरे पास दो चार बार ये जम्मू में भी गए हैं और परिवार सहित बहुत प्यार करते हैं बड़े सरल हैं और हम आप सबका अति आभार प्रकट करते हैं। आइए हनुमान जी के चरणों में चले उससे पहले हनुमान चालीसा का सभी मिलकर के पाठ करें ताकि हमें बुद्धि भी मिले बल भी मिले भक्ति मिले शक्ति मिले और ज्ञान मिले। ज्ञानियों में अग्रगण्यम सकल गुण निदान बाणरा नाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि महाराज जी के श्री चरणों में कोटन बार वंदन करके आइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये भगवान का विमल जश वही गा सकता है वही सुन सकता है उसके भीतर टिक सकता है उसके भीतर बैठ सकता है जो अपने मनरूपी मकर और इस मनरूपी शीशे को साफ करे। देखो कैसे करे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार
जा। तो गोस्वामी जी से पूछा, आप क्या कहने जा रहे हैं? बोले, हनुमान चालीसा का वर्णन करने चला। तो बोले, कह तो रहे रघुपति विमल जश गौया, वर्णियो रघुपति विमल जश, कह तो ये रहे हैं। तो गोस्वामी की आंखों में आंसू आ गए, बोले कि जब तक रघुपति का नाम नहीं लूंगा तब तक हनुमान नहीं आएंगे। उन्होंने तो अपने मान का हनन कर दिया, वो तो अपनी स्तुति चाहते नहीं हैं, वो तो अपनी स्तुति सुनना भी नहीं चाहते, इसलिए रघुपति का लूंगा तो हनुमान जी आएंगे, तुरंत आएंगे। देखो शेर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरण रघुवर विमल जश जो दायक फल जाता। गुणगान करने से बोले चार पदार्थ मिलेंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और जो प्राणी धर्म परायण होगा वो ही इधर रुचि करेगा, दूसरा कौन आ सकता है। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेशु विकार। आइए ये मंगलमय भगवान का नाम हृदयागार बस ही राम सर जाप धर्म, जिनके हृदय में राम जी सदा सदा के लिए विराजमान हैं, ऐसे हनुमान जी के पावन पवित्र चरणों में आइए सभी मिलकर के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोके जाते, राम तोत अकलित बल गावा, अंजन पर कप मन सुत नावा, महादेव पित धम जगन के, कुमति निवार सुमध के संगे, कंचन वरण विराज सबे सारण कुंडल कुंचित के साथ, आज पर धजा विराजे काने मुझ जगे स्वयं के श्री नंदे को चरित सुनवे को सूक्ष्म रूप धर सी दिखावा, रूप धर लंक जनावा, रूप धरी हसर सहारे, सिया नाम काज सवारे, कहा उपकार सक्री वही कीना, मिलाए राज पद दीना, रो मंत्र वही क्षण मारा, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर मारा, मधुर फल जानो, प्रभु मंत्र का मिल मुख माही, जल दिलाग गए जल जनाही, राम दवारे तुम रखवारे, बहुत नया क्या बिन पैसा रे, सब सुख ले है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, आप
उन तेज समारोहा पै तीन लोग हाथ दे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे दासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे के काज सकल को मसादा मनोरथ जो कोई लावे अमित जीवन बल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर शिष्य जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन हसवर दीन जान के माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुबद के राजा तुम्हारे भजन राम को कावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भगत कहाए और देवता कितना बड़ा रही अनुमत है सर्व जग करे संकट कटे जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ करे कोई जो नहि बंदे महा सुख होई जो ये करे हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा जो ये करे हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा दास सदा हरि चेहरा जेड़ा देर देवन तेरा सुन तने संकट हरे मंगल मूर्ति रो राम लखन सीता सहित हृदय मसो सुर रूप से आदे राम जय जय करो कल्याण सीता मेरे हस जाओ राधे सीता राम सीता सीता राम सीता हनुमान की तो मेरी माताओं प्रिय बंधु बरो अगर कहीं पर सच बोलना हो तो सिर पे या हाथ में गीता को देते हैं कोर्ट में जाओ तो बोले मैं गीता पे हाथ रख करके कहता हूं मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा और ऐसे पंचायत में बोले कि गंगा जली उठा करके कहता हूं जो बोलूंगा सच बोलूंगा लेकिन हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि जो कालों के काल महाकाल जो देवों के देव महादेव भगवान शंकर अपने सिर पर गंगा उठा करके कहते हैं जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीसा साक्षी गवाही किसकी है भगवान गौरी के ईश भगवान शिव की कि अगर कोई मन से विकारों को निकाल करके इस मन मुकर को साफ करके इस हनुमान का चालीसे का पाठ भी कर दे तो जो उसकी मनोकामना है भगवान शंकर ने कहा गंगा को सिर पर उठा के कहता हूं वो साफी तो सिद्ध होगा बोलो शंकर भगवान की इसीलिए मेरी माता चारों युग प्रताप तुम्हारा अब देखो जब द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ था तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था हनुमान को बुलाओ और जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी को जहां पर बिठाया आप जानते हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो रथ था
उसके ऊपर जो ध्वजा थी उसका नाम था कपी ध्वज, उसका नाम कपी ध्वज। जब तक हनुमान जी वहां बैठे थे, दीक्षा पितामा और दानवीर कर्ण के बाण चलते थे और इनका रथ दस से भस नहीं होता था। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से कि महाराज, जब मेरा बाण चलता है तो दानवीर कर्ण का रथ कहीं का कहीं जाकर के गिरता है, उसके बाण से मेरा रथ को टस से भस नहीं होता। नीचे देखो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर कौन बैठे हैं। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। ऐसे विक्रम बजरंग बली की आप जे जयंती मनाने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत हिमालय पर्वत से लेकर के और गिरिराज पर्वत तक आपको इतनी बड़ी बड़ी बधाई हो, बधाई हो, आप सबको बधाई हो, बधाई हो। तो आइए दो मिनट के लिए मैं जरा राम जी के चरणों में वंदना कर लूं और तब फिर इनाम देंगे, कोई बात नहीं। जावे न चोरे जीवी, राम न जावे न चोरे जीवे, राम न जावे न चोरे जीवी, राम न जावे न चोरे। सब कुछ कर दे उसके हवा, सब कुछ कर दे उसके हवाले, सब कुछ कर दे उसके हवाले, सब कुछ कर ले उसके हवाले। चिंता चिता से बच्चों
बस्सी पठाने वाला मैं रिकॉर्ड है जा रही है। ये सब माया का प्रपंच और खेल है मेरी माता और प्रिय बंधु भरो, उसी माया में हम जकड़े हुए हैं। और जो हनुमान जी का ध्यान करेगा उसके भीतर में ज्ञान का प्रकाश होगा, क्योंकि ज्ञानियों में अग्रगण्य हो उसी में भगवान को प्राप्त करने के गुण आएंगे। ज्ञानियों में अग्रगण्यम सकल गुणीदानम। तो मेरी माताओं प्रिय बंधु भरो, आज आपको बहुत बहुत मार्ग देते हुए ये दुनिया है झूठ पसारा, ये दुनिया है झूठ पसारा, ये दुनिया है झूठ पसारा, sa
सहारे के जब सभी सहारे टूटते हैं और अपने कभी रूठते हैं और जब विश्वास है तब तेरा ही पता पूछते हैं। हमारे दिन में पुरी जी बहुत बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन करते हैं और अम्बा अम्बा जगदम्बा सर्वशक्ति का इनके सिर पर हाथ रहता है। बहुत सिद्ध पीठ अमलोह के ये समस्त कार्यकर्ता आए हैं, हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते राम को अपने बस में कर लिया।
नाम सिमर पवन सुत नाम अपने बस करी राखे राम मेरी माता इसलिए राम नचो हरे नचो हरे जिवे राम नचावे नचो हरे चिंता चिता से बचो हरे चिंता चिता से बचो हरे राम हो सुन रे पपीहा बाब रे सुन रे पवन सुत हनुमान की राम जी का नाम इतना पवित्र है मेरी माताओं तथा प्रिय बंधु बरो चंद्रमा को दार है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है लेकिन हमारे रामचंद्र जी तो ऐसे हैं मेरी माताओं बिना राम के जीवन में आराम नहीं आ सकता इसीलिए मेरी माताओं प्रिय बंधु बरो आप जानते हैं कि जो रावण था कितना बलशाली था उसके बल का क्या मुकाबला करे जिसने कैलाश को उठा लिया काल को पकड़ के अपनी चारपाई से बांध लिया लेकिन सुनो उस रावण को इतने बल वाले को एक बाली मिला जिसने 6 महीने अपनी आंख में रखा बाली ने रावण को अब्बा बाली का बल कितना होगा जो काल को जीतने वाला कैलाश को उठाने वाला 6 महीने उसकी आंख में छुपा रहा और उस बाली की भी राम ने सफलता दी इतने वीर है राम लेकिन मेरी माता हो वो ही इतने बड़े वीर राम हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान तुमसे उड़न हम नहीं तुमसे उड़न हम नहीं मैं तुम्हारे से उड़न नहीं हो सकता तो जो वीर राम वीर हैं लेकिन क्या बात है जिनकी हम आज जयंती मना रहे वो तो महावीर हैं बोलो पवन सुत हनुमान की और इतना ही नहीं जो हनुमान जी का नाम ले ले उसके पास दुख आ नहीं सकता कैसे आ सकता है जब जग जननी जगत माता जग कल्याणी भवानी दुर्ज्ञानी और जिसके माता पिता नहीं है जो स्वयं धरती से प्रकट हुई माता जब वो दुखी थी तो उसके दुख को दूर किसने किया था तो गोस्वामी जी देखो फोटो खींच के हमें दिखा रही है जो नहीं मानने वाले उनके लिए राम
रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचरण गुण वरन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुन कही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचंद्र गुण वरन लागा, सुन कही सीता का दुख भागा, सुन कही सीता रामचंद्र गुण वरन लागा, रामचंद्र स्वामी जी से पूछा कि इतनी शक्ति कैसे आ गई हनुमान जी में कि जो रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगा तो सीता का भी दुख भाग गया, जो इतनी दुखी थी, जो आग मांग रही थी त्रिजटा से, त्रिजटा ने कहा आग नहीं मिलती, तो इतने में रामचंद्र का गुण वर्णन करते करते हनुमान ने कहा मैया आज तुम आग मांग रही हो लेकिन कल को देखना लंका में आग ही आग हो जाएगी, आग ही आग हो जाएगी, क्योंकि पूरी लंका को जलाने वाले पहुंच चुके हैं। तो बोले ऐसा कैसे? बोले इसलिए राम चरित सुनवे को रसिया, रसिया दर। उन्होंने कहा जो गुणों को सुनता, राम जी के गुणों को गाता, राम की कथा को जो सुनता मेरी माता, उसमें ये शक्ति प्रकट हो जाती है, क्योंकि राम के नाम में इतनी ताकत है, राम के नाम में इतनी पावर है मेरी माता। क्या राम चरित सुनी बे को रसिया, राम चरित सुनी बे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया, राम लखन सीता मन रसिया। और सुनो 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 सुनो, हनुमान जी ही एक ऐसे संत हैं जो संत हैं, बलवंत हैं और हनुमंत हैं और भगत भी हैं। बाबा राम जी का जहां मंदिर हो तब तक स्थापना पूर्ण नहीं होती जब तक हनुमान ना हो, लेकिन हनुमान जी के अनेक मंदिर हैं जहां राम नहीं। बोले क्यों? बोले राम लक्ष्मण और सीता हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। ऐसे देवता की आप पूजा करने जा रहे हैं जो गुरु भी हैं, जो भक्त भी हैं, जो संत भी हैं और भगवंत भी है। वो दुनिया में देव हजारों हैं। वाह वाह वाह, बोलो बजरंग बली महाराज की। चंद्रमोहन जी तुसी दो मिनट नाच गायो, बाच गायो, ये मुंडा बनाओ ताबला पिया के मैं नहीं गाने, और मैं ताबला इस करके के साडे जेडे अमलोह तो परम समानी है और विनयपुरी जी आए ने ऐसे शख्स नाल तुहानू मिलाना और उना दे पिता नू भी नमन करना, उना दे पिता भगवान दे भगत सी ते उना दे घर जिहड़ा बच्चा पैदा होया उना दा नाम विनयपुरी जी रखिया। अपने सारी कमेटी दे नाल आए ने और बड़े बड़े अच्छे कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े करवा रहे ने और मंदिर इस किस्म दा बना दिता जिथे करोड़ा रुपये लग गए ने। इस करके मेरी माताओ जिहड़ी सरहद दी हनुमान जी दी कमेटी है
इन्हों वास्ते भी असं अज हनुमान जयंती के उपर एक प्रार्थना करनी है कि इन्हों वास्ते भी एक ऐसा स्थान बने कि हर साल इन्हों बेचारे इधर उधर बदल ना पै जाए, इन्हों का जीवन भी एक ऐसा सुंदर से पावन पवित्र एक भवन हनुमान जी का निर्माण होगा। बोलो पवन सुख हनुमान की। और जेड़ी गल हनुमान जी के चरणों में कह दो वो ही ताजो ते एक भगत ने वो भजन बोलिया सी केड़ा दरबार में मेरे हनुमंत के तुसी ते बोलना कोई ना तो चलो मैं तो बोला है ना हाँ ते इस करके चल सुनी लो बड़ा दरबार में मेरे हनुमंत के दुख दर्द तो मिटाए चाहते हैं दरबार में मेरे हनुमंत के दुख दर्द मिटाए दर्दश के सताए लोग यहाँ दर्दश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए क्या है दरबार में मेरे हनुमंत के दरबार में मेरे हनुमत के ओ दरबार में मेरे हनुमत के तो आवाज का सुन लवा थर्मामीटर देखा की सुनना चाहते दरबार में मेरे हनुमत के दर दुख दर्द तुम हिटाए दुख दर्द दर्दश के सताए लोग यहाँ दर्दश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं सीने से लगाए जाते हैं दरबार में तेरे सतगुरु के राम नाम की यहाँ घर पे लुटाए दरबार में मेरे हनुमंत के सुनिए
के 14 साल पूरे हो चुके हैं, एक ही दिन बाकी, और अगर ये जीवन बच गया तो फिर मेरा राम से प्रेम नहीं है। और याद कर रहे थे अपनी मृत्यु को कि कल को मैं शरीर त्याग दूंगा, अगर राम कल नहीं मिले तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। उसी समय हनुमान जी पहुंचे और कहने लगे, और देखा तो रो रहे, तो हनुमान जी तुरंत पहुंचे और भरत जी के पास कहने लगे, महाराज राम की जय हो। भरत जी ने कहा, राम की जय, राम मेरे कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि रिपुसन जीत सुजस सुर गावत, रिपु जीत अपने दुश्मन से जीत करके, और मेरी माता आकाश से देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कैसा संदेश दे दिया। पूरन जीति सुजस सुन जावत, सीता सहित अनंज प्रभु आवत। भगवान माता सीता के साथ अपने रिपु को जीत करके और यहाँ आ रहे हैं। तब भरत उठ करके खड़े हो गए, तुम कौन हो ऐसे समय में इतनी खुशी का संदेश देने वाले। को तुम तात कहाते आये, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। उठ करके भरत खड़े हो गए और ऐसे अपनी छाती से लगा करके हनुमान जी को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि दरबार में हनुमत प्यारे के दर द्वाडा के डक दुखे। एक बारी बोल के ना देखो, दरबार में मेरे हनुमत के दुख दर्द कम पाए। दरबार में मेरे हनुमत के दुख दर्द मिटाए, संकश के सताए लोग यहाँ, गर्श के सताए लोग यहाँ, ऐसे लगाए दरबार में मेरे सतगुर पे। दर पे तो ऐ नादानो, इस दर पे तो संकेत चढ़ाए जावे, दरबार में मेरे हनुमत के।